हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम का वक्त है और अभी से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ मैं विंडो पे खड़ी होके ना बाहर देख रही हूँ और थोड़ा सा नज़ारे का लुफ्त ले रही हूँ। क्या होता है ना, शाम में अकेले घर पे रहती हूँ ना, तो अचानक कभी कभी मन बहुत ख़राब लगता है, अकेले अकेले लगता है। तो मैं ऐसे विंडो में कभी कभी खड़ी होती हूँ और बाहर देखती हूँ, लोग चलते फिरते रहते हैं तो अच्छा लगता है ऐसे। तो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं, चलो काम कर लिया जाए कुछ। और बहुत सारा कपड़ा दिन में धोया था तो वो सब कुछ सूख गया है, तो अभी मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे बाहर भी निकलना है, वर्क के लिए जाना है। तो ये सब करके रख के जाऊँगी ना, तो वापस जब आऊँगी तो उतना परेशानी नहीं होगा। एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज़ पॉलमी एंड वेलकम टू माई चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। शाम से आज ब्लॉग को स्टार्ट किया है। दिन में मन था दिन से शुरू करने का, लेकिन टाइम ही नहीं हुआ। आज ना एकदम अंधेरा था तब मैं उठी सुबह, फिर खाना बनाया, मोनोजीत का लंच बनाया, उसको दिया, ये सब करके घर का भी कुछ कुछ काम था। ये सब करने के बाद ना मुझे और मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए सोचा शाम से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। अभी तो अकेले घर पे क्या करूँ, कुछ देर टीवी देख रही थी लंच के बाद और एडिटिंग वगैरह करके, उसके बाद कुछ देर बाहर देख रही थी, फिर कपड़े बहुत थे वो सब फोल्ड किया और अभी सोच रही हूँ थोड़ा वर्क के लिए जाऊँ, क्योंकि ये एक ना एक मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट होता है इससे। एक वॉक करके आती हूँ ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, और कुछ कुछ अगर सामान घर पे नहीं है तो वो सब भी आते वक्त में ख़रीद के लेके आ जाती हूँ एक साथ। तो इसलिए अभी निकलूँगी थोड़ा और फिर वॉक करके आके उसके बाद देखती हूँ। आज मनोजीत को रात को आने में भी लेट होगा, अभी फ़ोन करके बोल रहा था कि उसको आज बहुत काम है, शायद बहुत रात हो जाएगा उसको, निकलते निकलते ही ऑफिस से 9 बज जाएगा शायद। तो इसलिए पता नहीं अब कितने कब तक आएगा। आज तो पूरा दिन मुझे अकेले ही बिताना है, पूरी रात बल्कि। तो सोचा ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती रहूँगी तो अच्छा भी लगेगा। तो अभी निकलूँगी मैं वॉक के लिए, तो चलिए आके फिर आपसे मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ मैं और अभी निकल रही हूँ। मैं ना सोच रही हूँ वर्क भी हो जाएगा और मैं उस शॉप में जाऊँगी जहाँ पे उस दिन मैंने वो सलवार लिया था ना, तो सूट, तो वो आज डेट दिया था कि आज हो जाएगा, फिटिंग्स के लिए मैं रख के आई थी उसी शॉप पे। सो अभी सोच रही हूँ जाती हूँ, अगर हो गया तो वो भी लेके आऊँगी, अगर मिल गया तो आपके साथ शेयर करूँगी कि उस दिन कौन सा वाला सूट मैंने ख़रीदा था। शाम में ना बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है और देखते ही देखते मैं शॉप पे आ गई। तो अभी मैं जो अपना कपड़ा है वो दुकान से ले लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ। ले लिया मैंने सूट और अभी जा रही हूँ घर। तो चलिए घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सूट कैसा है। मैं घर वापस और ये देखिए जो सूट था वो भी लेके आ गई। तो अभी पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इस साथ शेयर करूँगी कि कौन सा सूट मैंने लिया था। तो फ्रेश होके आ गई, भगवान जी का दिया बाती भी कर दिया। तो अभी सोची हूँ पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा वाला सूट लेके आई हूँ। तो मैंने ये वाला सूट लिया था, मरून कलर का, दिखाती हूँ मैं आपको। सो
ये है सूट, मुझे बहुत अच्छा लगा, मोनोजित को भी। मुझे और एक लाइट शेड में अच्छा लगा था, लेकिन फिर मोनोजित ने बोला नहीं डार्क कलर लो, तुम पे डार्क कलर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये वाला लिया। और इसके साथ देखिए ऐसे प्रिंटेड में दुपट्टा है इसका ऐसे, और साथ में ये पैंट जो अभी ट्राउजर टाइप पैंट आता है ना वो वाला, तो ऐसा है कुछ। कैसा लगा ये सूट आप ज़रूर मुझे बताना, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मनोजित को भी आया था। एक्चुअली मैं ये मनोजित के पसंद से ही ली हूँ बोल सकते हो आप, क्योंकि वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि एक डार्क कलर लो, तो इसलिए ये वाला लिया। और मुझे भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी तो क्या चाय आज नहीं पीऊँगी मैं, थोड़ा इतना मतलब घूम रही थी ना तो थोड़ा गन्ने का जूस पी के आई हूँ, इसलिए चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी डिनर बनाने, तो एक स्पेशल फिश का डिश मैं बनाऊँगी आज, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर थोड़ी देर में खाना बनाते टाइम आपसे मिलती हूँ। फिर रात काफ़ी हो चुका है तो अभी चलती हूँ किचन में और आज का डिनर बना लिया जाए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए फिश है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, स्मॉल फिश है एक, बहुत टेस्टी होता है। इसको मैं बैंगन के साथ बनाऊंगी, पहली बार मुझे यहाँ पे ये फिश मिला है। हमारे घर के उधर तो ये फिश बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस तरफ इतने दिन में फर्स्ट टाइम मुझे ये फिश मिला। तो मनोजित नहीं खाता है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए उसने बोला थोड़ा सा ले लो, तो मैं थोड़ा सा उस दिन लेके आई थी। तो इसको काट के साफ करके रखी हूँ और आज अभी बैंगन के साथ ये बनाऊँगी और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग खाते ही होंगे शायद, आप क्या बोलते हो इसको तो नहीं पता मुझे, बंगाली लोग को तो पता ही होगा कौन सा फिश है ये। तो अभी पहले मैं इसको बनाऊंगी तो इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बैंगन को मैंने काट लिया है लंबा लंबा करके, और साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा टमेटो ऐसे काट के, हाफ टमेटो लिया है, ज़्यादा नहीं दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ले लिया है, स्प्लिटेड ग्रीन चिलीज है, यहाँ पे थोड़ा सा अदरक बस, और हल्दी नमक उसी के साथ में बनाऊंगी। मुंबई आने के बाद ना पहली बार मुझे ये फ़िश मिला है, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं आज ये फ़िश बना रही हूँ। खाना बनाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट है आज। तो यहाँ पे ना कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल दिया, जैसे ही तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें जो फ़िश है उसको डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालूँगी और फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फ़िश को निकाल के रख दूँगी। ये फ़िश ना थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद अगर बनाया जाए ना तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे इसको बिना फ्राई किए भी लोग बनाते हैं, क्योंकि बहुत पतला सा फ़िश होता है, फ्राई भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। उसके बाद उसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल दिया, जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, साथ में डाला हरी मिर्च और कटे हुए बैंगन, सबको अच्छे से मिला दूंगी और थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इसी स्टेज पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेटेड गार्लिक एंड जिंजर यूज़ कर रही हूँ। गार्लिक ना मैं इंग्रेडिएंट दिखाते वक्त आपको दिखाना भूल गई, और स्लाइस्ड टमेटोज सब कुछ अभी एक साथ मिला दूंगी अच्छे से। और उसके बाद इसमें ना जस्ट हल्दी और नमक, ये ही दो चीज़ जाएगा, कोई और मसाला इसमें नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिला दूंगी और ढक के 2-3 मिनट रखूंगी ताकि बैंगन भी अच्छे से नरम हो जाए। और 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके जो फ्राइड फिश है उसको इसमें डाल दिया, और फिर से फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से सब कुछ मिले और थोड़ी देर में और पका सकूँ। तो अभी फिर से इसको अच्छे से मिला के ढक के 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दूंगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ऑयल जब तक बाहर ना आए, अलग हो जाए, तब तक इसको पकाना है। और उसके बाद बन गया ये डिश, बहुत इजी है और टेस्टी भी।
खाना बन गया, तो अभी जो बर्तन गंदा हुआ है वो सब अभी धो ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैं राइस का भी चावल वगैरह धो के रेडी करके रख के चली जाऊँगी। राइस में एकदम मोनोजीत जब आएगा तभी बनाऊँगी, और साथ में सोच रही हूँ थोड़ा सा आलू भाजी कर लूँगी, दाल है तो हो जाएगा, क्योंकि मोनोजीत ये फ़िश नहीं भी खा सकता है मुझे पता नहीं इसलिए। तो पहले तो किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया जाए। रात के अभी 11:30 बज रहा है, और अभी जाके मैंने राइस चढ़ाया है और आलू भाजी मैंने कर लिया है, तो अभी वेट कर रही हूँ, मोनोजीत आएगा तो हम लोग डिनर करेंगे। उसने बोला था कि मैं खा लूँ, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं राइस बना के अगर खा लेती हूँ ना तो वो राइस ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो जब आएगा ना तो उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, और अकेले ना मुझे खाने में अच्छा भी नहीं लगता। दोपहर में भी अकेले खाती हूँ, फिर रात को भी अकेले खाओ, इसलिए मैंने सोचा उतना भी तो लेट नहीं हुआ है, 11:30 ही है, 12 बजे तक तो आ ही जाएगा, तो साथ में ही हम लोग दोनों डिनर करेंगे, इसलिए मैंने और मतलब मैं खाई नहीं। तो दिखाती हूँ मैं कि डिनर में क्या क्या है आज। तो ये देखिए, प्लेन मसूर की दाल है, और आलू भाजी मैंने कर लिया है, और ये तो जो फ़िश है जिसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये ना इसी फ़िश का जो हेड है उसको अच्छे से क्लीन करके धो के बहुत अच्छे से फ्राई किया है, ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है, जिन लोगों ने खाया है उन लोगों को पता होगा। तो ये भी मैंने बनाया है, तो ये है हमारा आज का डिनर। तो मैं ना आज और इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कब वो आएगा और कब बाकी हम लोग खाएंगे क्या करेंगे कुछ अता पता नहीं है, उसको लेट भी हो सकता है, बाई रोड आ रहा है ना, तो मुंबई की ट्रैफिक तो आपको पता ही है। तो व्हिसल भी आ गया, राइस बन चुका है मेरा। तो आज के ब्लॉग को मैं इसलिए यहीं तक रखती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाय फूकल जिंदगी।